प्राइस हम 1 रुपया, 1 रुपया एक प्लांट हम बेचते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जहाँ से ये सीडलिंग्स तैयार होके जब रेडी होता है तो सेल के लिए एज पर गवर्नमेंट अप्रूव रेट हम जनता को देते हैं। जी हाँ, एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स नूरबाग रोड बारामूला में हाईटेक हाई वेराइटी जो यहाँ पर हाईटेक लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है तो उनकी सेल थी, उसमें हमने हमने आज ब्रोकली, फूलगोभी, बंद गोभी, इसी तरह से खानियारी, इसी तरह से नोलखोल, इसी तरह से कुकरबिट्स में हमारे पास थे, हमारे पास बोटल गॉर्ड थे, कुकम्बर थे, ये सब हमने सेल आज किए। जिस साहब ने सुबह यहाँ विदा किया, उसके बाद हमने यहाँ गवर्नमेंट ने ये रखा है कि यहाँ पर यहाँ ये फ़र्क है कि यहाँ पर हाई क्वालिटी वाला सीड मिलता है, जो सीड हम सो करते हैं जिससे सीडलिंग्स बनती है, और उसी सीडलिंग्स को फिर हम यहाँ पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि कम एरिया में उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। ये हमारा एम है और हमारा मकसद यही है कि लोगों को क्वालिटी वाली सीडलिंग हम फराहम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका पहला राउंड था तो दूसरे हाईटेक में भी चीज़ें तैयार हो रही है, चंद 10-15 रोज़ के बाद टमाटो, ब्रिंजल वगैरह वो चीज़ें हो जाएंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू सिलसिला रहेगा जून तक, वक्फे वक्फे से ये कंटिन्यू सिलसिला रहेगा। प्राइस की अगर बात हम करें, आज जो प्राइस हम 1 रुपया, 1 रुपया एक प्लांट हम बेचते हैं, अलबत्त जो कुकर बिट्स है वो 20 रुपये पर बैग है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, फूलगोभी है, बंद गोभी है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया एक कॉस्ट है। अगर कोई 50 लेना चाहे 50 रुपया उसको देना पड़ेगा। ये खाली आज के दिन के लिए सेल थी या आगे भी रहेगी? नहीं नहीं, अगर आज सारा खत्म हुआ तो आज ही के लिए, अगर सारा खत्म नहीं हुआ तो कल भी रहेगी सेल। ये डिपेंड है कब तक हमारा खत्म होगा। अलबत्त दूसरी सेल जो हमारी है वो 10-15 रोज के बाद होगी, उसमें हम टमाटो, उसमें हम ब्रिंजल, उसमें हम कैप्सिकम, उसमें हम बाकी वेराइटीज हम उस वक्त दे देंगे, क्योंकि आज इनका टाइम था, ब्रोकली का टाइम था, आज नोलखोल का टाइम था, इस वजह से हमने आज ये चीजें फराहम की। लोगों से क्या अपील रहेगी? लोगों के पास मेरी 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 गुजारिश यही है कि जब भी वो ये लगाएं, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करें। आमतौर पर हम स्पेसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, जिस वजह से फिर अच्छी पैदावार नहीं होती है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट यही है, जो भी यहाँ से सीडिंग ले ले वो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, एक फिट बीच में रखें, और जो खानियारी है उसमें 8 इंच का फर्क रखें, आपस में डिस्टेंस रखें, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। कुछ लोग हैं जो ये काम करने वाले हैं, लोग ज्यादा आते हैं, तो ये गुजारिश है मेरी, थोड़ा सा क्यू में रहना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि सब तक ये मिल जाए। तो मेरी यही गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र किया करें, इंशाल्लाह सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। आगे से देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो नर्सरी से जो सीडलिंग्स बनते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स का, एग्जॉटिक प्लांट्स का, वो यहाँ पे आवाम में बांट रहे हैं। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ टोटल 13 ऐसे हाईटेक पॉली हाउसेज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जहाँ से ये सीडलिंग्स तैयार होके जब रेडी होता है तो सेल के लिए एज पर गवर्नमेंट अप्रूव रेट हम जनता को देते हैं। तो मैं वही होप करूँगा कि ऐसे हम और हाईटेक पॉली हाउसेज बनाएं। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी रश है, तो इसमें काफ़ी डिमांड रहती है क्योंकि अच्छे कंडीशंस में ये बने होते हैं। आपने देखा, हमारे साथ गए थे, जो हमारे हाईटेक पॉली हाउसेज है जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, जहाँ मॉइस्चर भी उसका कंट्रोल्ड है, वो सारे कंडीशंस में ये बनते हैं। तो मैं यही होप करूँगा कि CEO साहब, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम कर रहा है स्पेशली इस एग्रीकल्चर फील्ड में, तो मैं यही होप करूँगा कि आगे भी जाके ऐसे अच्छे काम करते रहें। सुख
ब्रोकली